हेलो दोस्तों, इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी परीक्षा की सूचना के साथ यूपी ट्रिपल एससी ने दो महत्वपूर्ण परीक्षा की तारीखों पर भी घोषणा कर दी है। 12460 के लिए भी महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 29 मई 2021 को यह ऑफिशियल नोटिस यानी आज जारी किया गया है। आयोग के विज्ञापन संख्या इस यानी कि कनिष्ठ सहायक समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के लिखित परीक्षा में जो अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को सूचना है ये कि उनके टंकण ज्ञान के जो परीक्षण हेतु टंकण दक्षता परीक्षा 23 जून 2021 को कराए जाने के लिए समय निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र एवं प्रवेश पत्र के संबंध में यथा समय आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो जो भी उम्मीदवार कनिष्ठ सहायक के लिए इस प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो 23/6/2021 की परीक्षा के लिए तैयार रहें। दूसरे ऑफिशियल नोटिस में ये भी आज ही जारी हुआ है और यहाँ पर बात की गई है कंप्यूटर ऑपरेटर समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 की लिखित परीक्षा में जो अर्य अभ्यर्थी पाए गए हैं उनके लिए भी सूचना है। उनके भी टंकण ज्ञान के परीक्षा हेतु टंकण दक्षता परीक्षा 21/6/2021 को आयोजित कराई जाएगी और इसकी जो परीक्षा पत्र हैं यानी कि प्रवेश पत्र हैं उसकी भी सूचना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। दोनों परीक्षाओं के लिए जो प्रवेश पत्र हैं वो लगभग 10 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी ने इन दो परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। अब उम्मीद है यूपी ट्रिपल एससी में अब जो परीक्षा है सभी जो रुकी हुई परीक्षाएं उनको कराने के बाद तुरंत पीटी की परीक्षा की भी घोषणा हो सकती है। साथियों, 12460 शिक्षक भर्ती में विभिन्न तरह के जो ट्विटर अभियान और विभिन्न चैनल माध्यम से आवाज़ जो उठाई गई है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लस पॉइंट दिखने लगा है, जिसके चलते एक और अभियान की यहाँ पर घोषणा की गई है। इस बार 31 मई 2021 को दोपहर 1 बजे से यहाँ पर ट्वीट करने के लिए आग्रह किया गया है समस्त 12460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से, क्योंकि 7000 इन रिक्त सीटों को प्राथमिक शिक्षकों से भरा जाना बहुत ही आवश्यक है और 4000 से ज़्यादा अभ्यर्थी इसके लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। #12460 स्पेस शिक्षक भर्ती करके इस ट्विटर अभियान में आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शामिल हों। बाकी अगली जो जानकारी होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, जैसी कि सूचनाएं पहले भी आई थी कि टीजीटी पीजीटी के अलावा अन्य जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनकी जो परीक्षा तारीखों की घोषणा यूपी बोर्ड की परीक्षा कार्यक्रम पर निर्भर है। अब परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो घोषित हो चुका है और 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में कराई जाने की घोषणा भी की गई है। इसी के चलते आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भी ये कहा गया था कि आप देखिए कि यहाँ पर सूत्रों की माने तो 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के आधार पर ही प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसका ऐलान 1 जून को फिलहाल कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यूपी बोर्ड की जो 12वीं की परीक्षाएँ हैं उसका ऐलान कर दिया गया है। अब टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो आपको सितंबर ना जाकर अगस्त महीने में ही देखने को मिल जाएगी, जिसकी घोषणा 1 जून के बाद यानी कि जून महीने में किसी भी दिन ऑफिशियल घोषणा की जा सकती है, जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी की गई। और इस घोषणा के बाद अगस्त महीने में समस्त जो 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है टीजीटी पीजीटी के लिए वो इसमें परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो अच्छी अपडेट जल्द ही टीजीटी पीजीटी आयोग के माध्यम से मिल सकती है। उम्मीद है अगस्त में यह परीक्षा संभावित है। तो ये आज की महत्वपूर्ण सूचनाएँ थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।